हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने दुनिया भर से 50,000 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन करेंसीज की चोरी की थी। लेकिन इतिहास पर अगर थोड़ी सी नजर डाली जाए ना, तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया के हैकिंग के कई ऐसे केसेस दुनिया के सामने आए हैं, जिसका शिकार 2018 में इंडियन कॉस्मोस बैंक भी हुआ था, जहां से हैकर्स ने पूरे 101 करोड़ रुपयों की चोरी की थी। लेकिन ये सब अकेले करना नॉर्थ कोरिया की बस की बात नहीं है, इसमें उसकी मदद की थी चाइनीज हैकर्स ने। चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ अपने हैकर्स से लेकर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सब कुछ शेयर करता है, जिसके दम पर नॉर्थ कोरिया आए दिन हर दूसरे देश को परमाणु हमले की धमकियां देते फिरता है। और इसी के खिलाफ इंडिया ने भी 2017 के वैंकूवर टॉक्स में अपनी आवाज उठाई थी। लेकिन इसके पीछे का कारण सिर्फ ये धमकियां नहीं थी, बल्कि नॉर्थ कोरिया के पास एक ऐसी परमाणु मिसाइल है जिसकी रेंज, यानी कि जिस दूरी तक वो जा सकती है ना, नॉर्थ कोरिया में बैठे अपने मास्टरों के इशारों पर वो पूरे दुनिया को पल भर में मिटा सकती है। और नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ क्या करता है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप को दी उनकी धमकियों से साफ सामने आता है। तो अब सोचो, अगर कल को नॉर्थ कोरिया और इंडिया की जंग हुई तो उसका दृश्य कैसे होगा? आखिर जीत किसकी होगी, इंडिया या नॉर्थ कोरिया? वेल, इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड व्हाट अ वॉर विद नॉर्थ कोरिया वुड लुक लाइक। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो होगी ना, वो ये होगी कि दोनों भी देश अपने एलाइज ढूंढेंगे जो इस जंग में उनका साथ देंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि टीम इंडिया का हिस्सा कौन बनेगा। नंबर वन, यूएस। यूएस इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज में से एक है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। वेल, यूएस इंडिया का बायलैटरल ट्रेड ही 11.16 लाख करोड़ का है, और सिर्फ 2020 में ही यूएस कॉलेजेस में भर्ती हुए इंडियन स्टूडेंट्स के थ्रू यूएस की इकोनॉमी को पूरे 60,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और ऐसे में क्यों यूएस नॉर्थ कोरिया का पक्ष लेगा? क्या उसे इंडिया का दिल दुखा के ये सारे इंडियन इन्वेस्टमेंट्स गंवाने हैं क्या? स्पेशली जब नॉर्थ कोरिया बात बात पे यूएस को परमाणु हमले की धमकियां देते। दरअसल नॉर्थ कोरिया और यूएस के खराब संबंधों का कारण है कोरिया का बंटवारा। उस समय साउथ कोरिया यूएस के कंट्रोल में था, और नॉर्थ कोरिया इंडिपेंडेंट होने के बावजूद रशिया और चाइना के बैकिंग पे था, जिनके इन्फ्लुएंस से ऑब्वियसली वो भी एंटी अमेरिकन हो गया। और एक चीज ये है कि साउथ कोरिया में आज भी यूएस के 28,000 सैनिक मौजूद है, और यही बात किम जोंग उन को बहुत खटकती है कि कहीं यूएस साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया पे इजीली हमला ना कर दे। नंबर टू, जापान। इंडियन इकोनॉमी का तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर जापान है, क्योंकि 2000 से 2019 के बीच जापान का इंडिया में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरे 22 लाख करोड़ का था। प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारी जापानीज कंपनियां हैं जो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रही है और इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। यू नो, कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी, होंडा, सोनी, निसान, पैनासोनिक, टोयोटा एटसेट्रा। और इंडिया के जापान के साथ रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि ये जापानीज कंपनी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, और हम इंडियंस इनके कंपनीज के ही शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें प्रॉफिट मिलता है। यू नो, एज ये कंपनीज ग्रो हो रही है, इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। और सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HCL, OYO, इंफोसिस, ऐसी बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज जापानीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सो इस तरीके से एक अच्छा म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज चलता है। बट स्टॉक में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिलता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए पैनासोनिक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख लो। 2016 में उसके स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 260 रुपीज थी, और आज यानी कि 2021 में इसके शेयर की वैल्यू 314 रुपीज है, यानी 6 साल में सिर्फ 1.2% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसकी जगह पे क्रिप्टो करेंसी को ले लो। अब क्रिप्टो करेंसी इंडिया और जापान दोनों में बिल्कुल लीगल है, और जापान ने तो इसे लीगल प्रॉपर्टी तक करार कर दिया है। यहाँ तक कि जापान ने इसे अपने पेमेंट सर्विस एक्ट में भी इंक्लूड कर लिया है एज एन ऑफिशियल मेथड ऑफ पेमेंट, ताकि लोग इसमें ट्रेड कर सके और इसे एक्सचेंज के रूप में भी ले सके। और ये सब आखिर जापान क्यों कर रहा है? Well, क्योंकि बिटकॉइंस की वैल्यू 2015 में 29,000 रुपीज थी, और आज के तारीख में इसकी वैल्यू 45.9 लाख रुपीज हो गई। मतलब यार, 6 साल में 218% ROI कौन देता है? और हाँ, एक और एक बात, इंडिया ने 2020 की बात है, $923 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया अकेले इंडिया, और आज 2021 में ये फिगर बढ़ चुका है अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन से।
सो एज यू कैन सी इतने सारे लोग जब इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मार्केट के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी काफी हाई है। और फ्रेंड्स, आप सभी लोग अगर इन्वेस्ट करते हो तो अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आपको क्रिप्टो करेंसीज में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च करने के बाद। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ही ट्रस्टेड ऐप, जिसका नाम है CoinSwitch Kuber ऐप। CoinSwitch Kuber ऐप इंडिया की नंबर वन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप इन्वेस्ट और ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको हजारों या लाखों रुपए डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और 50 रुपए तो आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करोगे मेरे, तो आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन ऐसे ही मिल जाएगा फ्री में। अब ये ऐप बिल्कुल ही जेन्युइन है, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी पर्सन का KYC होता है। इसका मतलब अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी भी बिल्कुल जेन्युइन होने वाली है। अब मे भी आपको लगे इस पे क्रिप्टो करेंसी परचेस करना हार्ड होगा, बट इतना इजी है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। और अगर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू बढ़ी तो आप उसे इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो, या अगर आपने ट्रेड किया, आपने प्रॉफिट कमाया, वो भी आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट। बड़ा फ्रेंड्स, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करोगे, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में, उसके पीछे एक कंपनी होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, तो पहले उस पर रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट करो, जैसे आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करो। और इस तरीके से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इन द फ्यूचर। सो 50 रुपए के बिटकॉइन्स फ्री चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो एंड गो इंस्टॉल दिस ऐप नाउ। वेल फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडिया और जापान, इन दोनों देशों की मिलिट्री टाइज इतनी अच्छी है कि कई बार वो मालाबार जैसी मिलिट्री ड्रिल भी करते हैं, जिसके पीछे का एक ही मकसद है इंडियन ओशन में शांति बनाए रखना। इंडिया और जापान के रिश्ते बहुत पुराने हैं। इनफैक्ट इंडिया को आजादी मिलने पर एक देश के तौर पर रेकग्नाइज करने वाला देश जापान सबसे पहले था। इंडिया ने भी जापान पर 1951 में सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगे हुए रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन एक मिनट, जापान नॉर्थ कोरिया के खिलाफ क्यों जाएगा? इसका सबसे बड़ा कारण नॉर्थ कोरिया खुद है। नॉर्थ कोरिया ने 1977 से लेकर 1983, इन 6 सालों में कई जापानीज लोगों को अगवा किया था, किडनैप। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट भी जापान को एक बड़ा खतरा है। एक टेस्ट के दौरान ताइपोडोंग 1 नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल, जो नॉर्थ कोरिया को पैसिफिक ओशन में लैंड करवाना था, वो नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर से लेकर गया था। अब अगर गलती से भी 19-20 हो जाता ना, तो जापान की बैंड बन जाती। और ये सब उसने किया विदाउट एनी परमिशन, तो दुश्मनी तो बिल्कुल जायज है, राइट? नंबर 3, फ्रांस। इस लिस्ट में हमने इंडिया के बेस्ट फ्रेंड को शामिल नहीं किया तो कैसे चलेगा? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने की बात हो या G8 में शामिल होने की, फ्रांस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है, क्योंकि आज फ्रांस में स्थित इंडियन कंपनीज फ्रांस का पूरा 8.7 करोड़ का फायदा करा रही है। और वहीं फ्रांस इंडिया में 2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इंडिया का 9th सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर बन चुका है। प्लस 2018 में साइन किए हुए एक एग्रीमेंट के थ्रू इंडियन और फ्रेंच नेवीज अब एक दूसरे के बेसिस यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, नॉर्थ कोरिया को ना सपोर्ट करने के पीछे फ्रांस का क्या कारण हो सकता है? वेल, कारण है, दरअसल एस्टोनिया और फ्रांस ही दो ऐसे यूरोपियन देश हैं जिनके नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी किस्म के फ्रेंडली संबंध नहीं है। उल्टा नॉर्थ कोरिया के हर न्यूक्लियर टेस्ट पर फ्रांस ने अपनी आवाज हर बार उठाई है। और दूसरी चीज ये भी है कि फ्रांस US का भी एलाय है, जो वहीं पर जाता है जहां पर US जाता है। नंबर 4, इजराइल। अब फ्रेंड्स, आपको ये पता है इंडिया और इजराइल के संबंध बहुत गहरे हैं, और इसका कारण ये है कि जब ज्यूस को बेरहमी से मारा जा रहा था ना, तब उनका सहारा बनके इंडिया आगे आई थी। प्लस इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट का सबसे बड़ा बायर है इंडिया, और इंडिया में रशिया के बाद मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है इजरायल। और 1999 से लेकर 2009 तक इसी लेन देन के पूरे 67,000 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन इजरायल और इंडिया के बीच के ये संबंध सिर्फ हथियारों के लेन देन तक ही सीमित नहीं है। जब 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक में 40 सैनिक मारे गए थे, तब इजरायल ने इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। पर ये सपोर्ट एक तरफा नहीं था, यानी अप्रैल 2020 में जब पूरी दुनिया और इंडिया खुद इस पैंडेमिक से जूझ रही थी, तब इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन और क्लोरोक्विनोन जैसी दवाइयों का पूरा 5 टन इजराइल को भेजा था मदद के तौर पे। अब इसराइल नॉर्थ कोरिया का जानी दुश्मन है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने 1981 के पर्शियन गल्फ वॉर के दौरान ईरान को आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई करके उसकी काफी ज्यादा मदद की थी, और इस बात का गुस्सा उन्हें आज तक सताता है इसराइलीज को। सो अब भाई लोग, बहुत हमने जान लिया टीम इंडिया के बारे में, अब जरा जानते हैं टीम नॉर्थ कोरिया के बारे में। नंबर 1, चाइना।
चाइना नॉर्थ कोरिया का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है और इसकी वजह नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी है और इसी की वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी चलती है क्योंकि लिटरली नॉर्थ कोरिया का 90% से भी ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ ही होता है और नॉर्थ कोरिया की दूसरी आर्थिक मदद चाइना के आधे पूरे फॉरेन एड के कारण होता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चाइना इस जंग में भी नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके पास दो कारण है। पहला, इस जंग में चाइना के दो सबसे बड़े दुश्मन शामिल होंगे, इंडिया और यूएस। और अगर इंडिया जीत जाता है तो कमजोर नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया मिलकर एक यूनिफाइड कोरिया बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चाइना की प्रॉब्लम यह है कि साउथ कोरिया में यूएस के काफी सैनिक हैं और इसीलिए अगर इंडिया और यूएस जीतता है तो चाइना के बॉर्डर पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन यूएस दस्तक दे सकता है, जो ऑफ कोर्स उसे होने नहीं देना है। और चाइना का इसमें इन्वॉल्व होने का दूसरा लालच ये है कि अगर इंडिया हारता है तो चाइना के लिए इंडिया की काफी सारी टेरिटरी पर कब्जा करना और आसान हो जाएगा। इंडिया ही क्या, चाइना और नॉर्थ कोरिया अगर जीत जाते हैं तो वो आपस के छोटे छोटे कंट्रीज जैसे ताइवान, फिलीपींस पर भी कब्जा कर लेंगे। नंबर टू, पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलाय है चाइना और फिलहाल पाकिस्तान को चाइना को पूरे 1.8 लाख करोड़ का कर्ज चुकाना बाकी है। अगर चाइना किसी जंग में शामिल है और अगर ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होती है तो पाकिस्तान भी चाइना की तरफ से ही जंग में उतरेगा। दूसरी बात यह है कि इंडिया के खिलाफ जंग हो रही है और पाकिस्तान नहीं उतरेगा, ऐसा हो सकता है क्या? पाकिस्तान इसमें अपना दूसरा फायदा देख सकता है, कश्मीर को पाना। अगर इंडिया इस जंग में हार जाता है तो पाकिस्तान को पूरा कश्मीर मिल जाएगा और इसी के अलावा पाकिस्तान ने ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दी है, जिससे ये साबित होता है कि उसके नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध काफी अच्छे हैं। नंबर थ्री, ईरान। दिसंबर 2009 में थाईलैंड में नॉर्थ कोरिया से ईरान जाने वाली एक नॉर्थ कोरियन शिप को पकड़ा गया था जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स और सरफेस टू एयर मिसाइल के पार्ट्स थे, जिसके बाद लोगों का यह सस्पिशन क्लियर हो गया कि नॉर्थ कोरिया ने 1980 के ईरान इराक वॉर में ईरान को हथियार सप्लाई किए थे। लेकिन आज चीजें हथियार सप्लाई करने तक ही सीमित नहीं है। 2012 में दोनों ने एक साइंटिफिक कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया था जो पूरी दुनिया के हिसाब से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने का पैक्ट था। सो कल को जंग अगर हुआ तो ऑब्वियसली ईरान अपने फेवरेट वेपन डीलर का साइड ही लेगा। नंबर फोर, सीरिया। सीरिया और नॉर्थ कोरिया के करीबी रिश्तों की शुरुआत होती है 1960s के इजराइल सीरिया की जंग से, जब नॉर्थ कोरिया ने सीरिया को जंग में मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। और बस यही नहीं तो नॉर्थ कोरिया ने ईस्टर्न सीरिया में प्लूटोनियम रिएक्टर्स बनाने के लिए मदद की थी और इन्हीं रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोनों भी देशों ने एक दूसरे की एम्बेसीज अपने यहाँ पर रखी है। यूएन ने अपने एक रिपोर्ट में यह संदेह डाला था कि नॉर्थ कोरिया सीरिया को केमिकल वेपन्स बनाने में मदद कर रहा है और ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन था। सो ये तो हो गए एलाइज। लेकिन अगर ये जंग हुई तो इंडिया या नॉर्थ कोरिया में से कौन जीतेगा? सबसे पहले तो दोनों देशों के डिफेंस बजट को कंपेयर करते हैं। इंडिया 4.5 लाख करोड़, नॉर्थ कोरिया सिर्फ और सिर्फ 1.2 लाख करोड़। वही इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ है 35 लाख, नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ है 18 लाख। और ऐसे में तो अगर दो दो हाथ हुआ तो इंडिया चुटकी में जीत जाएगा। लेकिन एक मिनट, हथियारों को कंपेयर करना भी बाकी है। बेसिकली नॉर्थ कोरिया का हथियार जिससे इंडिया को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए वो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, यानी युआसोंग 15, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल माना जाता है क्योंकि इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। इसका मतलब ये पूरे दुनिया में कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकता है पिन पॉइंट लोकेशन के साथ। ये पल भर में ही इंडिया के किसी भी शहर को राख में तब्दील कर सकता है। बस सिर्फ किम जोंग मोटू अंकल को नॉर्थ कोरिया में बैठ के बटन दबाना है। इसके अलावा एक और एक चीज है जो इंडिया को घाटे में डाल सकती है, वो है इंडिया का लंबा समुद्री तट। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास 80 सबमरीन है और 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स है तो वो इंडिया को थ्रू वॉटर्स अटैक कर सकते हैं। और वही डिफेंस में इंडिया के पास 18 सबमरीन्स है और 290 रॉकेट लॉन्चर्स है। लेकिन इंडिया की नेवी फोर्स बहुत ताकतवर है क्योंकि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 15 फ्रिगेट्स हैं, 20 कॉर्वेट्स हैं और 11 डिस्ट्रॉयर जैसे नेवल एसेट्स हैं, जो नॉर्थ कोरिया के पास ना के बराबर है। प्लस इंडिया का ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल दुश्मन के ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर देता है। और अभी कंपैरिजन देख अब तक की टक्कर तो अच्छी खासी लग रही होगी। दोनों में से कोई भी जीत सकता है लेकिन इंडिया के चांसेस काफी ज्यादा हैं क्योंकि एज वी नो हमारे किम जोंग उन भैया कभी दुनिया से सच थोड़ी ना कहते हैं। ये जो हथियारों की गिनती है ना, वो कितनी सच है और कितनी झूठ है ये कोई नहीं जानता।
प्लस जिस देश में हरदम भुखमरी चल रही हो उसके 18 लाख सैनिक भी आखिर कितना ही लड़ लेंगे। पर एक चीज तो तय है, अगर ये जंग हुई तो नुकसान दोनों का होगा या शायद पूरी दुनिया का, क्योंकि अगर ये जंग होती है तो ये सिर्फ इन दोनों देशों के बीच ही नहीं बल्कि इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी, उनके एलाइज भी बीच टपक पड़ेंगे और वहां से ये बढ़ने लगेगा। और जब बड़े बड़े देश जंग पर आने लगेंगे तो वो चीज हो सकती है जिससे पूरी दुनिया डर रही है, वर्ल्ड वॉर 3। अब हम सभी जानते हैं कि सिर्फ दो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में जो ड्रॉप किए गए थे उससे क्या हाशरे हुआ था, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ ना तो एटम बॉम्ब नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल होगा, और सिर्फ एक 300 किलो का न्यूक्लियर बॉम्ब काफी है 126 किलोमीटर तक तबाही फैलाकर 70% लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए। पर ये तो सिर्फ एक बॉम्ब की बात है, आज ऐसे इंसानों को पिघलाने वाले 14,000 बॉम्ब दुनिया में मौजूद है जिसमें से इंडिया के पास 160 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 है। और इंडिया के पास जो अग्नि 5 मिसाइल है वो 1500 किलो की एक ऐसी मिसाइल है जो सिर्फ 5 से 10 मिनट में नॉर्थ कोरिया के पूरे 8000 किलोमीटर तक के इलाके को राख बना सकती है। अब सोचो अगर इंडिया ने 5 भी ऐसे बॉम्ब फोड़ दिए तो नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने हम पे मिसाइल छोड़े तो हमारा क्या होगा? Well, अच्छा चांस है कि हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बचा लेगा क्योंकि वो उसे जमीन पे गिरने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लेगा, और इंडिया को शायद मौका मिल जाए कि इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर सके। ऐसे में भी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिड यू नो न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर कुछ फट गए ना तो आइस एज की भी शुरुआत हो सकती है जिससे पूरी दुनिया का अंत करीब आ जाएगा। और ये कैसे हो सकता है मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लिंक आई बटन पे है। अब जरा सोचते हैं कि नॉर्थ कोरिया और इंडिया के बीच में आखिर जंग कैसे हो सकती है, क्योंकि हम ये समझ गए कि ये जंग बहुत ही जानलेवा होगी ऑब्वियसली, बट आखिर क्यों होगी? वेल, यू'ल एक्चुअली बी क्वाइट सरप्राइज टू नो कि 2013 में इंडिया नॉर्थ कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। और तो और दिल्ली और नॉर्थ कोरिया के कैपिटल योंगयांग में दोनों देशों ने अपनी अपनी एम्बेसीज खोल रखी है। दरअसल इंडिया और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे खासे ही चलते आ रहे हैं, और इन अच्छे रिश्तों का बीज तो कई सदियों पहले से ही बोया गया था कोरिया की रानी हियो वांग ओक द्वारा, जिनकी पैदाइश दरअसल क्वाइट सरप्राइजिंगली अयोध्या की है। इनफैक्ट वो अयोध्या की राजकुमारी भी थी जिन्हें बरकरार रखने के लिए इंडिया ने कई बार भुखमरी के दौर में नॉर्थ कोरिया को खाना सप्लाई किया था, जिसके सामने नॉर्थ कोरिया ने भी 2004 में इंडिया में आए सुनामी के दौरान भारतीयों की मदद के लिए पूरे 22 लाख का डोनेशन दिया था। आई नो अमाउंट कम है लेकिन कौन दे रहा है जरा वो भी देखो ना भाई। और रिसेंटली 2020 के पैंडेमिक के दौरान यूएन के कहने पर इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को पूरे 525 करोड़ की मदद की थी। इन्हीं अच्छे रिश्तों के चलते किम जोंग उन ने ये वादा किया है कि नॉर्थ कोरिया से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा। पर यहाँ पर सोचने वाली बात एक और एक है कि किम जोंग उन की बातों पर आखिर इंडिया कितना भरोसा कर सकता है? जो देश इंडिया के सबसे बड़े दुश्मनों को इस कदर पब्लिकली सपोर्ट करता है क्या वो असल में इंडिया का दोस्त बन सकता है? आपकी इस पे क्या राय है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी अपलोड आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।